Hello everyone, this is Shalini here. Welcome to our channel RISIS Classes. In this video, we will discuss about complex matrix. Okay, in previous lecture, we have already seen what is skew symmetric matrix and their properties. Okay, so video ko start karne se pehle, agar aap channel pe naye hain, to channel ko subscribe karein, bell icon pe press karein, jisse ki video ki sahi notification aapko milti rahe. Okay, so let's start. Sabse pehle definition dekhte hain, what is complex matrix? A matrix is said to be कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स सम ऑफ इट्स एलिमेंट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके कुछ एलिमेंट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं ए इज इक्वल टू 1, 2, 1 plus 2i, ठीक, 3, 7 कर दीजिए 2 minus 3i, ठीक, 0, 6, 4, 3 minus i, ठीक, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या, 3 by 3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इसको क्यों बोलेंगे, देखिए इसकी कुछ एंट्रीज जो हैं वो हमारी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1, 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स, ये प्योर इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड अभी आगे और भी मैट्रिक्स आएंगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, व्हाट इज इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल अभी ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिखिए. ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. तो अब मैं इरेज करती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स अब देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है. तो ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं. लेट ए बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ठीक है, देन अ मैट्रिक्स विच इज ऑप्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग ऑल द कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स ऑफ ए बाई देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बाई देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाई ए बार. इसको किससे डिनोट करते हैं, ए बार से. ठीक है, अब देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है. देखिए ए कोई क्या हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब उसके कुछ एंट्रीज क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो. देन अ मैट्रिक्स विच इज ऑप्टेंड बाई, तब एक ऐसी मैट्रिक्स जो किससे ऑप्टेंड किया जाए, ऑप्टेंड बाई रिप्लेसिंग ऑल द कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ऑफ ए बाई देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. जो उस मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसके उस नंबर्स को अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नंबर से क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाई ए बार. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स. देखिए एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 plus 3i 2 1 0 1 minus 2i 3. ठीक है, ये क्या है हमारी मैट्रिक्स है. इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारा क्या बनेगा, इसको इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दीजिए. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा होगा. देखिए 1 plus 3i है अगर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर ये जेड इज इक्वल टू 1 plus 3i होता था तो जेड बार इसका कॉन्जुगेट क्या होता था, 1 minus 3i. ठीक है, तो बस यही चीज़ है. तो इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है. अब देखिए तो यहाँ पे हो गया 1 plus 3i, तो ये हो जाएगा 1 minus 3i, 2 1, एज इट इज 0, 1 minus 2i है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus 2i. ठीक है, 3, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनका क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. तो ए बार हमारा क्या हो गया, 1 minus 3i 2 1 0 1 plus 2i 3. ठीक है, तो ये हमारा ए बार है, ये ए है. ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं. द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाई ए पावर थीटा. मतलब किसी भी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट, किसी भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए पावर थीटा से. ए पावर, अब देखिए कह रहा है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, किसी भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए बार होता है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ए पावर थीटा, ए डैश हो जाएगा. ठीक है, तो ए पावर थीटा क्या बनेगा, ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज. वही डेफिनेशन लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. तो ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, ए बार क्या है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ए बार कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, इसका क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, तो हमें क्या मिल गया,
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। आप देखिए चाहे बार करके ट्रांसपोज करिए चाहे ट्रांसपोज करके बार करिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसका चाहे बार कर उसका कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज करिए या फिर उसका ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट करके, सेम चीज हमें मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, 1 - 4i, 0 - 2i, 4 - 3, 3i, ठीक। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक। अब इसका अगर मैं ए बार करूं इस तरह से, इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखिए अगर मैं ए बार पहले करूं तो ए बार क्या होगा, 1 + 4i, 0 - 2i, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, -2i, क्योंकि ये इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। 4, 3, ये क्या हो जाएगा, -3i, ठीक है। ये हुआ ए बार। अब इसका ट्रांसपोज करिए, अब इसका ट्रांसपोज करिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का, तो ए बार का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बार का ट्रांसपोज 1 + 4i, 0 - 2i, ठीक, 4, 3 - 3i, ठीक है। तो हमें ये मिला, ए बार का ट्रांसपोज हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक, दिस मैट्रिक्स। अब अगर मैं ये करूँ, अब ठीक, आप इसको राइट डाउन करिए, मैं इसको इरेज करती हूँ ऊपर डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं ए बार ट्रांसपोज यहाँ पे निकाली, अब मैं ये निकालूँ, पहले ए का ट्रांसपोज निकालती हूँ, ठीक है। ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 4i, 0 - 2i, ठीक, 4, 3, 3i, राइट। अब क्या करना है, अब इसका बार करना है, अब ए ट्रांसपोज का बार कर दीजिए, ए ट्रांसपोज का बार कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, 1 + 4i, 4, 0, 3 - 2i, - 3i, देखिए क्या दोनों सेम है या नहीं है, है, 1 + 4i, 4, 0, 3 - 2i, - 3i, ठीक है। तो चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों क्या है, ए पावर थीटा ही है, ठीक है। तो चाहे बार करके ट्रांसपोज करिए चाहे ट्रांसपोज करके बार करिए, दोनों बोथ आर सेम, ठीक, तो दोनों कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं इरेज करती हूँ, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ए पावर थीटा अगर हम करेंगे, ए पावर थीटा का मतलब ए बार का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो ए ही मिलेगा, ठीक है। आप एग्जांपल से कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल पावर थीटा इज इक्वल टू ए पावर थीटा प्लस बी पावर थीटा, मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए प्लस बी का पावर थीटा का मतलब दोनों मैट्रिक्स, अगर इन दोनों का हम सम कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी एडिशन पॉसिबल होता है। के ए का पावर थीटा इज इक्वल टू के बार ए पावर थीटा, के पे बार आएगा, क्यों, क्योंकि के क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो के पे बार आ जाएगा ए पावर थीटा। अब देखिए ए बी का पावर थीटा, ए बी का होल पावर थीटा क्या होगा, बी पावर थीटा इंटू ए पावर थीटा, ठीक है। इसी तरह से हमने ट्रांसपोज में भी देखा था, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी का होल पावर थीटा मीन्स ए पावर थीटा बी पावर थीटा नहीं, बी पावर थीटा इंटू ए पावर थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, ए बार का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे कितने ऑर्डर की होगी, अगर ए होगा एम क्रॉस एन का तो बी की किस ऑर्डर का होना चाहिए, एन क्रॉस बी का, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल होगा। आप इन प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।